पिछले करीब 25 वर्षों में हजारों गायों की सेवा कर उनकी जान बचा चुकी फ्रेडरिक एरिना ब्रूनिंग अपना पद्मश्री सम्मान लौटाना चाहती हैं। फ्रेडरिक एरिना ब्रूनिंग को इसी साल ही गौ सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दरअसल फ्रेडरिक एरिना भारत में ही रहना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने वीजा बढ़ाने का आवेदन किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वीजा नहीं दिए जाने पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। मथुरा में गायों के लिए आश्रम चलाने वाली फ्रेडरिक एरिना उर्फ सुदेवी दासी ने कहा, इस पुरस्कार को रखने का क्या मतलब जब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती हूँ और बीमार गायों की देखभाल नहीं कर सकती हूँ। फ्रेडरिक एरिना ने बताया कि उन्होंने वीजा अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय के लखनऊ कार्यालय ने बिना कोई कारण बताए उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। फ्रेडरिक एरिना का वीजा 25 जून को खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं मथुरा में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क कर रही हूँ ताकि यह जान सकूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जर्मन महिला ने कहा कि उन्हें पद्मश्री लौटाकर बहुत दुख होगा, लेकिन अगर वीजा आवेदन को खारिज किया जाता रहा तो उनके पास इसे लौटाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होगा। यह पूछे जाने पर कि उनके वापस जर्मनी जाने पर गायों और बछड़ों का क्या होगा, तो फ्रेडरिक एरिना ने कहा, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। मैं उन गायों को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ जो बीमार हैं और मेरे द्वारा दवाएं देने पर जिंदा हैं। बता दें कि फ्रेडरिक एरिना ब्रूनिंग नाम की महिला 25 साल पहले यूपी के मथुरा घूमने आई थी। यहाँ वह आवारा गायों की बदहाली देखकर परेशान हो गई। उन्होंने तय किया कि वह आजीवन यहीं रहकर इन गायों की देखभाल करेंगी। लोगों की चकाचौंध से दूर और एक सुनसान और मलिन इलाके में फ्रेडरिक एरिना ब्रूनिंग 2500 से ज्यादा गायों और बछड़ों को एक गौशाले में पाल रही हैं। वह बताती हैं कि गौशाले के अधिकतर जानवरों को उनके मालिक ने छोड़ने के बाद फिर से अपना लिया था और उन्हें अपने साथ ले गए। ब्रूनिंग को स्थानीय लोग सुदेवी माताजी कहकर पुकारते हैं। 61 वर्ष की ब्रूनिंग सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हैं, जिसने उनके काम को पहचाना और सम्मानित करने का फैसला किया। वह उम्मीद करती हैं कि लोग उनसे प्रभावित होंगे और जानवरों के प्रति दयालु बनेंगे। वह बताती हैं कि गौशाले में 60 कर्मचारी हैं और उनकी सैलरी के साथ जानवरों के लिए अनाज और दवाइयों में हर महीने 35 लाख रुपए का खर्च आता है। उनकी पैतृक संपत्ति से उन्हें हर महीने 6 से 7 लाख रुपए मिलते हैं। ब्रूनिंग बताती हैं कि मैंने एक बहुत छोटे से आंगन में इसकी शुरुआत की थी और फिर राधा कुंड में सुरभि गौशाला निकेतन नाम से एक गौशाला का निर्माण कराया। उन्होंने गौशाला के निर्माण के लिए अपने अभिभावक का पैसा लगाया। ब्रूनिंग ने उन गौवंशों के लिए अलग बाड़े बनाए हैं जो अंधे या घायल हैं और उन्हें विशेष उपचार की जरूरत है। अब इस जर्मन नागरिक को सरकार से एक ही चीज की उम्मीद है और वह एक चीज है लॉन्ग टर्म वीजा या भारतीय नागरिकता। वह कहती हैं, ताकि मुझे हर साल अपना वीजा रिन्यू न कराना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।